सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन सबको भी NIT मिल गई है। ठीक है, CCF के सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है अलॉट हो गया। एंड अभी जस्ट आपके कमेंट पढ़ रहा था एंड मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा आप लोग के डाउट्स हैं कि क्या करें, ले ले क्या ले ले। तो भाई देखो, जो होना था वो हो गया। जो CCF का सेकेंड राउंड है, जो भी ब्रांच मिली है, जो NIT मिली है, NIT जाओ। ठीक है, अब किस बाकी को बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा लग रहा होगा कि कहीं CS ले लूँ ब्रांच। तो देखो यार, अगर आपके पास है ना 10-15 लाख रुपए वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में ले लो CS, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं दूसरी चीज़ कहूँगा ना, जो NIT मिली है ना, जो ब्रांच मिली है, उसके साथ आगे बढ़ो, NIT आओ। ठीक है, वहाँ से अगर तुम अच्छा ना पढ़ने लिखने में अगर अच्छा हो, ठीक है, अच्छे से मैनेज करोगे सारी चीज़ें, तो IT सेक्टर में जा सकते हो, कोर में भी अपना करियर बना सकते हो। तो ये चीज़ें के ऊपर टेंशन मत लो। एंड सेकेंड चीज़ है कि आज मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको कॉलेज के अंदर कैरी करनी है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें रहेगी एंड क्या क्या हॉस्टल के अंदर का जो रूम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है। देखो यार, एक हॉस्टल के अंदर जो रूम अलॉट होता है, ठीक है, 4-4 सीटर अलॉट होता है। ठीक है, मैं NIT जलंधर की बात कर रहा हूँ, बाकी पता नहीं शायद किसी NIT में 2 सीटर भी अलॉट होता है, 3 सीटर भी, 4 सीटर भी। सिंगल सीटर इस बार लॉन्च किया है NIT जलंधर में, शायद उसकी कुछ 3-4 हज़ार रुपये फीस ज़्यादा है। यही थी बाकी इसकी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ना कि किस तरह अलॉट होता है, तो ये सेम प्रोसेस होगा यार, बट कैसे अलॉट होगा अभी इसका मेरे को कन्फर्म भी नहीं पता, तो मैं आपसे और क्या बोलूँ। और दूसरी चीज़ है कि आपको मैट्रेसेस, चादर, बेडशीट, चादर एंड पिल्लोस हो गए। विंटर तो नहीं है, लेकिन आप अभी जो भी गर्मी में है ना, गर्मी वाली चीज़ें ले आना। ठीक है, जैसे बेडशीट ले आना, पिल्लोस ले आना, एक गद्दे ले आना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ हॉस्टल के रूम के अंदर नहीं देते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ है कि आपको जो भी पर्सनल चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है, नहाने के लिए बकेट ले आना, मग ले आना, एंड जो भी तुम यूज़ करते हो लाइक सोप, डिटर्जेंट, कॉलगेट, ब्रश, ये जो भी तुम्हारी पर्सनल चीज़ें थी जो बाथरूम में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें ले आना। ट्रिमर ले आना या शेव शेव करने के लिए, जो तुम्हारे लोग अगर ज़्यादा दाढ़ी आती है तो। एंड पर्सनल चीज़ें, कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, ये तुम्हें पता ही है, जो भी तुम कपड़े वपड़े पहनते हो ये ले आना। उसके बाद चीज़ें आती है कि नोटबुक्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह, तो ये शॉप है इसके अंदर। अगर आप, तुम्हें लगता है कि यार मैं रूम वहाँ से, घर से भी कुछ लेके आना चाहता हूँ वन टाइम के लिए, तो ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग स्टूडेंट एक्साइटेड होते हैं यार, इस शॉप से मैंने 12th पास किया था, तो ये नेबर में था, इनसे बहुत यादें जुड़ी, तो वहाँ से कुछ मेमोरी लेके आना चाहता हूँ, तो ले आना यार। एक होता है ना भावुक दिल होता है, तो कुछ नोटबुक वहाँ से भी खरीद लेना, बाकी यहाँ पर मिल जाएगी ऐसी सारी चीज़ें के लिए। गद्दे गद्दे वगैरह, चादर, गद्दे पिल्लो वगैरह यहाँ पर भी मिल जाएगा, बकेट यहाँ पर भी मिल जाएगी, बट 1000 बच्चे आते हैं, ठीक है, एक टाइम पर, तो कहीं ना कहीं यार तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है, कि यार बहुत भीड़ हो जाएगी एंड कुछ आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ कैरी नहीं करते। तो रिकमेंड करूँगा आप जलंधर सिटी उतर रहे तो वहाँ से एक सिटी से आते वक्त लेके आ सकते हो, नहीं तो जब आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा ना वन टाइम, जब हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, हॉस्टल देखो उसी दिन अलॉट हो जाएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग जैसे तुम्हारी हुई उसी दिन तुम्हारे हॉस्टल अलॉट हो जाएंगे, मैस ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो तुम चाहे तो तुम जाके मार्केट में सामान या जो भी तुम्हें चीज़ें बाई करनी है तो कर लेना। एंड उसके बाद आता है एक्सटेंशन ले आना। ठीक है, किसी को स्टूडेंट्स को आदत होते है बेड पे बैठ के पढ़ने का या रील देखने का, तो एक्सटेंशन की एक इम्पोर्टेंस है भाई, तो ले आना। बाकी तुम्हारे लैपटॉप है, जो भी तुम इस चीज़ें यूज़ करते हो वो ले आना। ठीक है, लैपटॉप, टैबलेट, टैबलेट वगैरह जो भी है तुम्हारी चीज़ें यहाँ, ठीक है, वो ले आना। एंड और क्या सारी चीज़ें होती है, बस यही होती है, बाकी जो भी तुम्हें लेके आना है लेके आ सकते हो, नो इशू। ठीक है, एंड और क्या मैं बोलूँ, बस यार थोड़ा मैं एक चीज़ बोल दूँ कि मैं थोड़ा बिजी था इंटरव्यू के अंदर, तो ये थोड़ी वीडियो लेट हो रही है, बट मेरी कोशिश यही है कि हर चीज़ों को मैं आपको एक कवर करके एक बता दूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आप जब भी कॉलेज आ रहे हो। क्योंकि जब मैं कॉलेज आ रहा था तो मेरे को ये सारी चीज़ों की दिक्कत हुई थी, तो मेरे को लगता था कि यार शायद पता होता इस पहली चीज़ें, तो मैं कोशिश हमारी यही रहती कि आपको पहले से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करें, ताकि आप प्रिपेयर रहो पहले। ठीक है, एक अलर्ट होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बाकी हर चीज़ यार एक्सप्लोरेबल होती है। ठीक है, जो भी हो रहा है एक मज़ा आता है। एंड बस ठीक है, वेलकम टू ऑल NITian। ठीक है, होपफुली आपकी 4 साल की जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है, मज़े आने वाले, बहुत सारे मज़े आने वाले। एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे YouTube चैनल को, 2000 होने वाले हैं, और मुझे पता है आप 2000 बहुत जल्दी कर दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब्सक्राइब किए बिना जाते नहीं हो। तो बस, एंड कुछ और बातें बोलूँ तो आप सबके लिए बहुत अच्छे कंटेंट कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए। बस, तो कुछ भी डाउट आता है नीचे कमेंट कर दो।